हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। बहुत ही क्विकली हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आपका नेक्स्ट पेपर है एसबीईसी का, उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। एंड जो स्टूडेंट्स दो ग्रुप का एग्जाम अपियर कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है, जैसे आप जान ही गए हो अभी तक। तो जो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास जो टाइम अवेलेबल है, दैट इज अराउंड 10 to 11 आवर्स, उससे ज्यादा टाइम आप नहीं निकाल पाओगे प्रिपरेशन के लिए। तो कैसे अपने सब्जेक्ट को प्लान करें, एक दिन के अंदर, कुछ आवर्स के अंदर कैसे पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करें, तो आइए उसके लिए एक थोड़ा सा स्टडी प्लान देख लेते हैं। अब जो आपका सब्जेक्ट है, उसका डिविजन आप ऑलरेडी जानते हैं। पार्ट सी 25 मार्क्स का है, पार्ट बी 35 मार्क्स का है, पार्ट ए जो है 40 मार्क्स का है। अब इसमें जो टाइम अलॉटमेंट या जो डिविजन मैंने किया है, वो कुछ इस तरीके से है कि पार्ट सी के लिए 1.5 आवर मोर देन इनफ है, 3 चैप्टर्स ही है। पार्ट बी में आप 3 to 4 आवर्स रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। और पार्ट ए के लिए फिर हमारे पास बचते हैं 5 आवर्स, ठीक है। तो ये इतना डिविजन हम करके रख सकते हैं, और इतने में ही हमें पूरा पार्ट रिवाइज करना पड़ेगा। आई नो इट इज अ बिट चैलेंजिंग, लेकिन और कोई चॉइस हमारे पास नहीं। अब जो आपके चैप्टर्स हैं, जैसे पार्ट सी में मैंने आपको बताया कि 3 चैप्टर्स हैं, पार्ट बी में जो चैप्टर्स हैं 13 to 18 वाला जो ब्लॉक है, उसको मैंने दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। ब्लॉक वन आपका लेबर लॉ और प्रोसीजर्स वाला है, चैप्टर 13, 15, 17, एंड ब्लॉक टू में चैप्टर 14, 16 एंड 18, जिसमें आईपीआर, एनवायरमेंटल लॉज और ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। पार्ट ए की बात कर रहे हैं, तो उन चैप्टर्स को दो ब्लॉक में अगेन बांटा हुआ है। एक वो चैप्टर्स जो थोड़े से इजी हैं, जो कंपनी लॉ पे डिपेंडेंट है, और आपने कंपनी लॉ के पेपर के लिए भी पढ़ा था, तो क्विकली आप उसको चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं। तो चैप्टर 1 to 7 का जो ब्लॉक है, जिसमें एलएलपी भी आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी आ गई, और कंपनीज के रिलेटेड जो प्रोविजन है वो भी आ गए। इसके साथ साथ दूसरे वाले चैप्टर्स थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, एनबीएफसी है, एसपीवी है, जेवी है, प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप ऑफ कंपनी टू अनदर। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो सेकेंड ब्लॉक में रखे हुए हैं। तो इस तरीके से ब्लॉक का जो है वो डिविजन आपके सामने है। अब पॉइंट ये है कि सर सीक्वेंस क्या होना चाहिए। अभी तो 1 बजे पेपर दे के आए हैं, ट्रैवल करके आए हैं, खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, और 3 बज चुके हैं, इतना टाइम आपका निकलने ही वाला है, तो कैसे प्रिपरेशन शुरू करें। तो ये है सजेस्टेड सीक्वेंस मेरी तरफ से। पार्ट सी से आप शुरुआत कर सकते हैं। पार्ट सी जो है आपका, इट इज ऑफ 25 मार्क्स, और इसमें आपको सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं, उसमें भी लास्ट 2 चैप्टर्स छोटे हैं। एक चैप्टर लिक्विडेशन वाला जो है वो लेंदी, तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। तो 1.5 घंटे के अंदर अगर आप ये 3 चैप्टर्स निपटा ले, तो आपका 25 मार्क्स का पेपर एक बार के लिए रिवाइज होके सिक्योर हो जाएगा। एंड अभी टाइम, मेजोरिटी टाइम जो है वो आपका बचा हुआ है। इसके बाद पार्ट ए पे आ सकते हैं आप। पार्ट ए थोड़ा सा इजी भी है, अभी अभी आप पेपर दे के आए हैं, तो थोड़ा सा फ्रेश मूड में आने में और पढ़ाई में इन्वॉल्व होने में टाइम चला जाता है। तो तब तक आपने पार्ट सी पढ़ लिए। पार्ट ए के जो पहले 7 चैप्टर्स हैं, उसके लिए 2.5 आवर्स का एक स्लॉट अलॉट करके आप उसको खत्म कर सकते हैं। या आपके माइंड में अगर होगा कि हाँ इतने टाइम में खत्म करना है, तो ये टारगेट पूरा होगा, अदरवाइज तो फिर आप एक चैप्टर को लेकर बैठे ही रहे। तो डिविजन जो है वो होना बहुत जरूरी है आपके माइंड में। इसके बाद पार्ट बी ले लो आप, ठीक है। पार्ट ए का जो फर्स्ट ब्लॉक है इजी वाला, उसके बाद सीधा पार्ट बी पे चले जाओ, और इसका जो सेकंड ब्लॉक है ना वो कंप्लीट कर लो। ये वाले जो चैप्टर्स है आपके 14, 16 और 18, तो 1.5 घंटे का स्लॉट निकाल के क्विकली इसको रिवाइज कर लो, क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़े से इजी गोइंग है कंपेयर टू अदर टॉपिक्स, तो आपका माइंड उतना ज्यादा उसमें थकेगा नहीं, और आप उन चैप्टर्स को कवर कर पाएंगे। इसके बाद आप आ सकते हो पार्ट ए के सेकेंड ब्लॉक पे, जो टाइम कंज्यूमिंग वाला है, उसको थोड़ा टाइम दे के पक्का कर लो। इसमें चैप्टर नंबर 12 के कन्वर्जन प्रोसीजर्स मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो पढ़ने ही चाहिए। और यहाँ पे जो आपका लिक्विडेशन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 21, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बड़ा चैप्टर भी है, और 25 मार्क्स में इसका कंटेंट का वेटेज कम से कम 10 मार्क्स होने वाला है। तो उस हिसाब से आप उसको इंपॉर्टेंस देना, यहाँ चैप्टर 12 को इंपॉर्टेंस देना, ये आपको बता रहा हूँ। और लास्ट में पार्ट बी का जो फर्स्ट ब्लॉक है, जिसमें ये 3 बड़े चैप्टर्स हैं, इनके लिए आप लास्ट 2 आवर्स रखो। यहाँ तक आते आते अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपका 80 मार्क्स का पेपर रिवाइज हो चुका है। अब 20 मार्क्स बचा है, और इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज इन चैप्टर्स में से एक पूरा सेक्शन पास्ट एग्जाम्स में पूछा हुआ है, विच इज ऑफ 16 मार्क्स, तो मिनिमम उतना वेटेज हो ही रहा है। तो उस हिसाब से आप जो है इस पार्ट के लिए 2 आवर्स का टाइम लास्ट में रखो। एक बेनिफिट लास्ट में इसको रखने का ये रहेगा कि आपने उसको ताजा ताजा पढ़ा होगा, एंड एंड में पढ़ा होगा, तो थोड़ा साइकोलॉजिकली भी कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, हमें ये चीजें याद होंगी, क्योंकि अभी अभी पढ़ी हैं। और लेबर लॉज के जो चैप्टर हैं, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, जितने हो सके उतने रिवाइज करके जाना। अगर आपको लगता है कि पूरा चैप्टर नहीं हो पा रहा है, तो भाई जितना हो सकता है छोटे छोटे टॉपिक्स पकड़ लो, और फटाफट उसको रिवाइज कर लो। जितनी भी मेहनत आप एंड मोमेंट तक कर लोगे, उतना आपको फायदा ही देने वाली है। तो इन चैप्टर्स को इग्नोर करके जाना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, क्लियर। तो इस तरीके से आप अपना 10 to 11 आवर्स का जो टाइम अवेलेबल है, उसको
सिस्टमैटिकली कस्टमाइज करके यूटिलाइज कर सकते हैं और उसका बेस्ट आउटपुट आपको मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट एक ग्रुप का एग्जाम अपियर कर रहे हैं और उनको बीच में एक दिन का गैप मिला है, तो फिर ये जितना भी टाइम ड्यूरेशन मैंने मेंशन किया है उससे डबल ही आपको मिलेगा। तो कवर तो आपको उसी रेशियो में करना है, लेकिन टाइम आपके पास डबल होगा, तो वो एक एडवांटेज हो सकता है। लेकिन दो ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की बात नहीं है, आपने प्रिपरेशन भी उतना अच्छे से किया है, जो टाइम अवेलेबल है वो रियलिटी और वो सबके लिए है, तो उसी में हमें क्विक रिविजन करके हमारे सिलेबस को जो है कंप्लीट करना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिख के आना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जितनी मेहनत की है ना, वो परफॉर्म करने का, वो प्रेजेंट करने का टाइम आज आ गया है। बिना डरे कोई ऐसी टेंशन माथे पर रखना मत कि सर कैसे होगा, फेल हो गए तो क्या होगा, वो सब बातें अपने को सोचनी नहीं है। हमें बस फोकस करना है अपने प्रेजेंटेशन पे, पेपर लिखने पे, रिजल्ट जो होगा वो बात की बात है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।